आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का लड्डू। सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है खाने के ये लड्डू। हमने बनाया है, सर्दी खांसी जुखाम सबका बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है, फाइबर है इसमें, और आपको मजबूती देता है, अंदर से खून बढ़ाता है, आपके हड्डियों के मजबूती बढ़ाता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली है जो हर किसी में हर कोई में कोई विटामिन है, जो हम सारे इकट्ठे करके हमने बनाया, जो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये लड्डू एकदम सॉफ्ट और अच्छा बना, टेस्टी भी है, खाने में सब कोई खाएंगे। एक लड्डू और एक गिलास दूध के साथ हर कोई सुबह एक खाओ। सुस्ती छाई है तो भी दूर करता है, और कमजोरी है तो भी आपको मजबूती देता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस तरह के लड्डू सर्दियों में बनाइए, और डेली सुबह एक गिलास दूध के साथ और एक लड्डू खाइए, आपके शरीर के लिए लाभदायक है। ये लड्डू सॉफ्ट भी है और खाने में टेस्टी है। चलिए आगे आपको ये लड्डू बनाना बताते हैं, क्या क्या इसमें पड़ता है वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, मूंगफली शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। मूंगफली सर्दियों में खाने से अच्छा होता है, ये गर्म करता है। यह एक मीठा फल है जो पोषक तत्व से भरा हुआ होता है। मखाना एक फूल है, डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद होता है, और ये मोटापा भी कम करता है। तिल का लड्डू बहुत अच्छा होता है। तिल खाने के लिए सर्दियों में, तिल में कैल्शियम होता है और फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका लड्डू खाने का शरीर के लिए फायदेमंद होता है। गूंद का लड्डू खाने से कमजोरी दूर होता है, और जोर जोर में दर्द होता है वो भी दूर करता है। लेडीज को कमर का दर्द की शिकायत बहुत रहती है, वो भी गूंद का लड्डू खाने से दूर होते हैं। किशमिश खाने से आपके शरीर के ब्लड को साफ करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है और आपके कमजोरी दूर करता है। नारियल है, नारियल में तेल बहुत होता है, यह त्वचा और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स बहुत हल्का होता है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसमें पाचक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये पेट को बहुत सॉफ्ट रखता है। खसखस गरम करता है, ये मजबूती देता है, नींद नहीं आती तो नींद के लिए फायदेमंद है। सुस्ती छाई है या कमजोरी है तो ये सब खसखस खाने से सारा शरीर का ये कमजोरी दूर होता है, मजबूती लाता है, बहुत इसमें फाइबर होता है। कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें मूंगफली का दाना डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर लो। ये अच्छे से रोस्ट हो गया, फ्राई हो गया, अब इसे निकाल लीजिए फ्राई। अब इसी में ओट्स डाल लीजिए, ओट्स को अच्छा से फ्राई कर लीजिए। ओट्स को इतना फ्राई कीजिए थोड़ा ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन चला जाए। जब इसका कच्चापन हल्की सी सूंधी सूंधी खुशबू इसमें आने लगे तो इसको निकाल लीजिए। अब इसमें तिल डालकर, उसी कढ़ाई में तिल डालकर और खसखस डालकर दोनों को अच्छे से
भूंजिए दोनों को अच्छे से, जब तक कि ये चटकने ना गए, चट चट करके सारे अच्छे से जब ब्राउन हो जाए हल्के, कि मतलब इसका कच्चापन निकल जाए, ब्राउन हो गया बस चट चटा के बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए अब इसको भी भुन गया तो निकाल लीजिए। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल के जब घी गल जाए, गरम हो जाए, तो उसी में गोंद डालकर अच्छा से उसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा से मतलब वो पूरा एक एक लावा जैसा फूट जाए सारे, जब पूरे अच्छे से हो जाएगा फिर उसको, ये देखिए हमारा फूल के कितना अच्छे से हो गया, भुंज गया। अब इसको निकाल लीजिए। भुंज गया अच्छा से, निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में घी में थोड़ा और घी डालकर अच्छे से जब गल जाए तो उसमें मखाना डालकर इसको भी अच्छे से भून लीजिए। ये भी खूब जब ब्राउन हो जाए, इसको देखिए कि अच्छा सा भून गया, उसको उठाकर देखिए, वो ऐसे जब हाथ में दबा के देखिए, जब वो चूर हो जाए तो समझ लीजिए कि ये भुन गया पूरा, और बस इसको निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में आप नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कटोरी और किशमिश डालकर दोनों को अच्छा से फ्राई कर लीजिए। इसका भी, नारियल का भी थोड़ा कच्चापन चला जाए, ब्राउन हो जाए, दोनों अच्छे से भुन जाए, फिर इसको भी निकाल लीजिए। जिससे सारे मटेरियल भुंजा रहता है तो ख़राब नहीं होता। ये हमने मूंगफली हमारा भुंजा हुआ ठंडा हो गया, अब इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। छिलके निकाल कर इसको साफ कर लेते हैं, जो रेड रेड छिलके होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, बस वाइट ही हम पीस कर बनाएंगे। हम भूंजा हुआ तिल को हम पीस लेते हैं। ये हमारा देखिए तिल हमारा पीस गया। इसी तरह हम एक एक करके सारे मटेरियल हम पीस लेंगे। ये जितना हम भूंजे हुए हैं, ये आप ओट्स पीसेंगे, मखाना पीसेंगे, मूंगफली पीसेंगे, ऐसे करके सारे मटेरियल एक एक करके हम सारा पीस लेते हैं। पेस्ट को कढ़ाई में डाल दीजिए, कढ़ाई में डाल के इसको अच्छा से चला के पका लीजिए। और इसको थोड़ा सा गुड़, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा गुड़ काट कर इसमें या कूट कर गुड़ डाल दीजिए। डाल के
अच्छे से चला के उसको पका लिए। तब तक पकाइए जब तक गुड़ घुल ना जाए। जब गुड़ उसमें मिक्स हो जाएगा फिर उसको अच्छे से पका लीजिए। वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा गुड़ घुलने के बाद, फिर अच्छे से इसको पका लीजिए। गुड़ जब इसमें पक जाए सारा मिक्स हो जाए फिर उसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। डालकर मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी दे। फिर 1 चम्मच हल्दी डालकर मिक्स करके इसको अच्छे से पका लीजिए। जब ये अच्छे से पक जाए फिर सारे देखिए अच्छे से पक जाए, कढ़ाही छोड़ने लगे, फिर इसमें घी 2 चम्मच घी डाल दीजिए। डालकर घी को उसी में मिक्स कर दीजिए। घी इसमें मिक्स हो गया, अब ये पक गया। अब इसमें सारे मटेरियल डालकर अच्छा से चलाइए और आप गैस बंद कर दीजिए। मिक्स करके अच्छा से इसको चला के मिलाकर इसको लड्डू बना लीजिए।